सो दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000। बजट चाहे जितना मर्जी आपका, लेकिन वीडियो में एकदम जो सबसे टॉप के लैपटॉप्स हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो के अंदर लैपटॉप जरूर मिल जाएगा 100%। चाहे फिर आपने कोडिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी है, स्टडीज या फिर वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह, आपने कुछ भी करना अपने लैपटॉप पे, ये सारे काम सभी लैपटॉप्स पे एकदम ही स्मूथली कर सकते हो आप विदाउट एनी इश्यूज। लेकिन एक चीज है, आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और किन लैपटॉप्स को आपके लिए छोड़ना बेटर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000 रुपीज की एंड 30,000 के प्राइस पॉइंट पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज Acer Extensa 15। फुल साइज डिस्प्ले वाला मॉडल है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले लैपटॉप में। एंड देखो, सिर्फ एक यही लैपटॉप है जो कि हमें अंडर 30,000 के प्राइस पॉइंट पे इंटेल कोर i3 11th जनरेशन प्रोसेसर दे रहा है। 1115 G4 प्रोसेसर है इसमें, 4.1 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। 8GB की रैम, 256GB की SSD मिलती है लैपटॉप में। आपने एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपने एक नया लैपटॉप लेना है ना, तो विदाउट SSD वाला लैपटॉप तो आपने कोई कंसीडर ही नहीं करना। एंड एक और चीज है, देखो इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है वो दोनों ही चीजें हमें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। एक्चुअल में काफी कम ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पे बढ़िया प्रोसेसर के साथ रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल ऑप्शंस दे रहे हो। 12GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्लॉट दी गई है लैपटॉप में। एंड SSD को एक्सपेंड करने के लिए 2.5 इंच स्लॉट मिल जाती है लैपटॉप में। इंटेल के USD ग्राफिक्स है, विंडोज 11 मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 4 to 5 आवर्स। फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नमपैड। एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 31,000 रुपीज। देखो इसी सेम बजट के अंदर सेम प्राइस पॉइंट पे Redmi Book 15 लैपटॉप भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इन दोनों ही लैपटॉप्स में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों के दोनों लैपटॉप्स में सेम प्रोसेसर है, सेम स्टोरेज, सेम रैम दी गई है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, तो परफॉर्मेंस हमें कम्प्लीटली सेम ही मिलने वाली है दोनों ही लैपटॉप्स में। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जो Redmi Book 15 लैपटॉप है उसकी जो रैम एंड स्टोरेज है उसे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन Acer के लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो सारे लैपटॉप्स के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो लेटेस्ट प्राइसेस को चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू चेक कर लेना। अब बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज की। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है HP 15S लैपटॉप। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 37,000 रुपीज। फुल साइज डिस्प्ले वाला मॉडल है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC है। देखो ये राइजन प्रोसेसर वाला मॉडल है, AMD राइजन 350 300U प्रोसेसर मिल जाता है 5th जनरेशन, 3.8 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। सो बेसिकली इस लैपटॉप पे आप जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ये सारी चीजें लैपटॉप एकदम बढ़िया से हैंडल कर लेता है। 8GB रैम, 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में। एंड इसकी भी रैम एंड स्टोरेज दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल मिलती हैं। देखो लैपटॉप के अंदर टोटल रैम के 2 स्लॉट्स हैं जिसे यूज करके हम 16GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड साथ ही में एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलती स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए, बट उसी की SSD को रिप्लेस करके इसकी स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। AMD Radeon ग्राफिक्स है, विंडोज 11 मिल जाती है, MS Office 2019 दिया गया लैपटॉप में विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 5 to 6 आवर्स। देखो आफ्टर ऑल दिस अमेजिंग फीचर्स ये जो लैपटॉप है ये बिल्ट इन अलेक्सा को भी सपोर्ट करता है टू ऑपरेट विद योर वॉइस कमांड। एंड इसमें हमें रैपिड फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है, जो 50% बैटरी है वो अराउंड 40 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एंड अंडर 40,000 के प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है। HP के लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज अनबीटेबल। इतने टाइम से मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, मुझे 1% की भी कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। अभी बात करते हैं 40,000 रुपीज में एक और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन के। इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के बाद आप पूरी तरह से खुश हो जाओगे, Redmi Book Pro। इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया 11th जनरेशन। देखो एक तो i5 प्रोसेसर है 11th जनरेशन वाला, लेकिन वो भी 11300H प्रोसेसर दिया गया, H सीरीज वाला प्रोसेसर है। मतलब कि इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है ना गाइस, दैट इज अनबीटेबल। इसकी परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है। 4.4 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला मॉडल है ये भी। 8GB की रैम, 512GB की SSD है लैपटॉप में, बट रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है। फुल साइज डिस्प्ले मिलती है लैपटॉप में, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल आयरिस ग्राफिक्स, विंडोज 10 के साथ ही MS Office 2019 मिलेगा लाइफ टाइम, एंड विंडोज 11 के अपडेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बेसिकली सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज नॉर्मल 5 to 6 आवर्स। एंड सिंगल हैंड से हम इस लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप भी सपोर्ट करता है, 50% बैटरी अराउंड 35 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। देखो जिसका भी बजट अराउंड 40,000 रुपीज है ना, HP 15S एंड Redmi Book Pro, इन दोनों से बढ़िया आपको कोई लैपटॉप नहीं मिलने वाला। Redmi Book Pro की परफॉर्मेंस एकदम ही बेस्ट है, लेकिन उसमें एक्सपेंडेबल ऑप्शन हमें कम मिल जाती हैं। वहीं HP 15S की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है, 5300U प्रोसेसर है, लेकिन उसमें हमें फिर एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज की ऑप्शन मिल जाती है। इन दोनों में से आपको जो भी लैपटॉप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़िया लगे उसे आप बिंदास होकर बाय कर सकते हो।
Now best laptop under 50,000 rupees, then Lenovo IdeaPad Slim 3 is the best option for you guys. इसमें में Intel Core i5 11th generation processor दिया गया है, 1135 G7 processor है, 4.2 GHz maximum clock speed, 4 cores and 8 threads, 8GB RAM, 512GB की SSD मिल जाती है। दोनों चीजें expandable हैं, 16GB तक हम इसकी RAM expand कर सकते हैं and storage को भी हम expand कर सकते हैं। Laptop में full size display मिलती है 15.6 inches की Full HD anti-glare display है इसकी। Integrated Intel Iris graphics है, Windows 11 के साथ MS Office 2021 है lifetime and बाकी सभी ports के साथ 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप हमें इस लैपटॉप के अंदर इजीली मिल जाएगा। देखो इस लैपटॉप के अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं ना वो 50,000 के दूसरे किसी भी लैपटॉप में आपको नहीं मिलने वाले। सबसे पहले तो हमें इस लैपटॉप के अंदर 2 सालों की वारंटी मिल जाती है जो कि डबल वारंटी है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस ऑफ दिस बजट। आफ्टर दैट इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में फॉर बेटर सिक्योरिटी, एक्सबॉक्स गेमिंग पास मिल जाता है 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। ऊपर से ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लैपटॉप की 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। देखो ऑल इन ऑल आप में से जिसे भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इंटेल का बेस्ट लैपटॉप लेना है, आंखें बंद करके आप लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 को बाय कर सकते हो। अभी बताता हूँ उनके लिए जिन्हें राइजन प्रोसेसर बाय करना है, HP 15S इस लैपटॉप में AMD राइजन 5 5500U प्रोसेसर मिल जाता है, 5th जनरेशन, 4 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड एंड ये प्रोसेसर 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में, 250 निट्स एंड 45% NTSC, AMD रेडियन ग्राफिक्स, विंडोज 11, MS ऑफिस 2021 है एंड नॉर्मली बाकी सभी लैपटॉप की तरह सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप में भी हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है ऑपरेट विद योर वॉइस कमांड एंड ये भी रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50% बैटरी 40-45 मिनट्स के अंदर लैपटॉप की चार्ज हो जाती है। अभी आपने थोड़ा ध्यान देना, देखो इसके अंदर जो रैम मिलती है हमें वो मिलती है 16GB की रैम, 3200 MHz वाली डुअल चैनल, साथ में 512GB की SSD मिल जाती है। अब इस लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, ये लैपटॉप मैक्सिमम 16GB की रैम को सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल दी गई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल, इसकी स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी इसका जो प्राइस है ना देखो वो 50,000 रुपए से 2-3,000 रुपए ज्यादा अराउंड 53,000 रुपीज में ये लैपटॉप हमें मिलता है क्योंकि इसके अंदर 16GB की रैम दी गई है, बट ये सेम लैपटॉप आपको सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ 46,000 रुपीज में मिल जाएगा बट उसकी जो रैम है वो फिर 8GB की रैम होगी। सिंपली बताता हूँ कि देखो जिसे तो अपने लैपटॉप पे एकदम ही प्रोफेशनल काम करने है हाई लेवल वाले उसको लेना चाहिए 16GB की रैम वाला वेरियंट एंड जिसे प्रोफेशनली ज्यादा हैवी टास्क नहीं करनी अपने लैपटॉप पे, नॉर्मल यूजेज के लिए लैपटॉप चाहिए बट एक तगड़े प्रोसेसर के साथ चाहिए वो 8GB वाला वेरियंट बाय कर सकता है। दोनों में प्राइसिंग का थोड़ा फर्क है क्योंकि एक तो 46,000 रुपीज में मिल रहा है, दूसरा में मिल रहा है 53,000 रुपीज का, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि 16GB वाला चाहिए आपको या फिर 8GB वाला। लेकिन 50,000 रुपीज में ये जो मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं ना आप इन लैपटॉप को बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। नाउ बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज, तो देखो Acer Aspire 5 इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू गाइस, 57,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो इस बजट के वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस है। सबसे पहले तो इसमें हमें इंटेल कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1240p, तो जिन्हें नहीं पता तो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो P सीरीज के 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर है ना उनकी जो एफिशिएंसी है वो U सीरीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ओके 12th जनरेशन प्रोसेसर 4.4 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड परफॉर्मेंस एंड 3.3 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड एफिशिएंसी, 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, 12 MB L3 की कैशे मेमोरी है। देखो लैपटॉप में 8GB की रैम हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली एंड इसकी जो रैम है हम उसे 32GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 512GB की SSD मिल जाती है लेकिन इसकी जो SSD है उसको भी एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया गया है, 2TB तक हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फुल साइज डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है। अब देखो इसके अंदर डेडिकेटेड 4GB का ग्राफिक कार्ड दिया गया है, NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम ही हाई लेवल की गेमिंग आपकी इस लैपटॉप पे हो जाएगी, बट ऐसा भी नहीं है कि गेमिंग बेकार होगी, मतलब कि ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है ऑन गेमिंग एंड एडिटिंग, तो अराउंड 56-57,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। ठीक है विंडोज 11 मिल जाती है, MS ऑफिस 2021 दिया गया बट वो 1 वीक ट्रायल बेसिस पे मिलेगा एंड देखा जाए तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस मिलता भी नहीं है वैसे। बहुत ही बढ़िया डिजाइन है लैपटॉप का, सिंगल हैंड से हम इस लैपटॉप को ओपन भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। देखो जिसको तो अपने लैपटॉप पे एडिटिंग के साथ थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है ना Acer Aspire 5 को आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, दूसरा लैपटॉप आपको देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो लैपटॉप मैं आपको भी बताने वाला हूं ना वो इससे भी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है इन सम एस्पेक्ट्स।
Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप 59,500 रुपीस इसका करंट प्राइस है। लैपटॉप में इंटेल कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 1235U, बट इसी प्रोसेसर के साथ हमें 16GB की रैम मिल जाती है 3200 MHz वाली DDR4 एंड 1235U जो प्रोसेसर है वो 16GB की रैम की कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा आपका कोई काम ही नहीं है प्रोफेशनली जो इस लैपटॉप पे स्मूथली हो नहीं सकता। ओके, प्रोफेशनल यूजेज के लिए ये लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीस एकदम दी बेस्ट लैपटॉप है एंड ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है। एंड इसी के साथ ही 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप के अंदर। फुल साइज डिस्प्ले वाला मॉडल है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। विंडोज 11 के साथ ही MS Office 2021 दिया गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं दोनों। इंटीग्रेटेड इंटेल आयरिस ग्राफिक्स है लैपटॉप में एंड इस लैपटॉप के जो एडिशनल फीचर्स हैं वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट है। 2 सालों की वारंटी, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो ऑल इन ऑल देखो, सीधी सी बात है कि जिसे तो अपने लैपटॉप पे गेमिंग के साथ एडिटिंग करनी है वो Acer Aspire 5 को बाय कर सकता है एंड जिसका मेनली काम एडिटिंग या फिर गेमिंग का नहीं है उसे प्रोफेशनल काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए Lenovo IdeaPad Slim 3 से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है अंडर 60,000 रुपीस। सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स इन 2022, 30,000 से लेके 60,000 तक के जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है ना मार्केट में वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि अपनी रिक्वायरमेंट को समझो सबसे पहले, तो उसके बाद जो भी लैपटॉप इन सभी में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लगे उसे आप बिंदास होकर बाय कर लो, दैट्स इट। एंड अगली जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड बताओ यार 60,000 से प्लस ये वाली सीरीज में लेके आऊं अप टू 1 लाख वाली, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।